उसके बाद में हमारा ये रहेगा कि हमारे यहाँ पर जम्मू शहर में ही जम्मू जिले के अंदर जो पूरे तरीके से मुहिम चले, जिसमें हम इसके जम्मू डिस्ट्रिक्ट को जो है एक नशा फ्री कर सके, ड्रग फ्री कर सके, जिससे कि हमारे आने वाले जनरेशन को किसी तरीके से खतरा ना हो। इसलिए मैं आप जितने भी आए हुए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने अपने आइडिया या जो भी है जो भी पार्टमेंट दे दें, उसके पश्चात हम जो है लास्ट में एक स्ट्रेटेजी बना देते हैं आपके आइडिया के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से इनके आगे बढ़ेंगे, जैसे सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करके इस जो एसोसिएट इविल है इसको हम खत्म करें। साथ साथ में काफ़ी लोगों को तो मैं जानता हूँ, पर कुछ लोग नए हैं तो उनको कुछ इंट्रोडक्शन भी हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ। पुलिसिंग ऑफिसर में कह रहा हूँ
बैंकर्स को पुलिसिंग को बहुत सतर्क होना पड़ेगा। माँ बाप का फर्ज तो है बच्चे को पैसे देते बाहर जाकर, बाहर तो जो संकट है वो पुलिस का, और जो गरीब है लास्ट सजेशन है कि दुनिया बहुत है, ये तो आपके रिकॉर्ड में भी है, जो भी पोस्टिंग आपकी है एस एच एस की वो रिजल्ट रिलेटेड होनी चाहिए, 3 महीने या 2 महीने के अंदर वो केस देगा तब जाके सुना। अदरवाइज नो यू आर सॉरी, आई एम सॉरी टू वेस्ट द टाइम, ये मीटिंग करने का फाइनल उसमें मैंने पिछले साल 7 अक्टूबर को मिल्खा सिंह जी को जम्मू में बुलाया था और एक रैली की थी ड्रग्स, उसमें कोई 5-6 हजार बच्चों ने मारा था। मैं चाहता हूँ कि इस किस्म की अगर हम अवेयरनेस रैली वगैरह करें या स्कूलों में कॉलेजों में जाके अवेयरनेस करें कि ड्रग्स से क्या नुकसान है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में, तो मेरे हिसाब से इसका कोई अलग पीरियड हो, 10-20 मिनट का, 25 मिनट का पीरियड हो, जिसमें ये सारा समझाया जाए। और इसके लिए जो भी इसमें काम कर रहे हैं, हमारा एक ग्रुप बने उसमें सबकी किसी किसी स्कूल में ड्यूटी, इसकी कॉलेज में, इसकी यूनिवर्सिटी में लगे, तो सबसे जरूरी है कि अवेयर करना है, इसी से हम कामयाब कर सकते। धन्यवाद। मेरा नाम संदीप जैन, एस एस जैन सभा जम्मू। पहले तो आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने आज मीटिंग बुलाई। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अभी सर ने कहा कि पुलिसिंग है, बट आई लाइक टू डिफर, पुलिसिंग इज ऑलवेज देयर, बट एज अ पेरेंट एज अ सोसाइटी वी हैव लॉट टू प्ले विद दिस। और जैसे आज की डेट में बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है पेरेंट्स द्वारा, एंड दे फाइंड दिस अ वेरी गुड सोर्स टू गेट हाई, बिकॉज इंट्रैक्शन इज वेरी लेस, यू कम टू नो वेरी लेट that our child has moved on to the separate life. एक तो उसके लिए आप जैसा करना चाहें, I think it is the best forum, we are all here, we can help interact with the parents so that they interact with their kids. और जब ये बच्चा चेंज होता है, वो एक टाइम स्पेन बड़ा छोटा सा है, 10-15 दिन में ही वो एक ऐसी बुरी हालत में चला जाएगा कि उसको वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इंट्रैक्शन पेरेंट्स की बच्चों के साथ नहीं है, we are going to get in a very worst position, and we are getting into that position. And the availability is very easy, sir. In spite of the policing, the availability is so easy that the child is forced as a peer pressure, group pressure, just to taste it. और जो पहले एक देसी चलता था कि बच्चों की वो इसको कहते हैं वो खेती बाड़ी को, जो आज की डेट में चिट्टे का जो जोर पकड़ रहा है, एंड इट इज वेरी इजीली टू देयर रीजन, चिल्ड्रन से सेट इलाके हैं जहाँ पर लेडीज बैठी हैं, उनको दिया जाएगा, उन्होंने पैकेट दे देना है, एंड व्हेन दे सी प्लीज टू कॉल देयर नाउ, और उन बच्चों को किस तरह से कहाँ मिलना है, इट इज सो इजीली देयर एवरीवेयर। आप बहुत ज़्यादा में देयर एरियाज जहाँ पे मिलता है, देयर एरियाज इन छोटी मार्केट जहाँ मिलता है, वहाँ पे बच्चों को पता है कि कौन सी गाड़ी से कैसा आदमी आएगा वो दे देगा। तो अवेलेबिलिटी जब इतना इजी है, इंट्रैक्शन पेरेंट्स के साथ नहीं है, तो आई थिंक वी सिविल सोसाइटी हैज टू प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल, व्होएवर सीज इट, इफ वी कुड पुट इन सम IT people की कोई ऐप ऐसी बन सके कि जहाँ भी हमें कुछ सस्पिशियस लगे, यू कैन जस्ट क्लिक एंड सेंड द फोटोग्राफ्स टू सम प्लेस, सो दैट इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन एट दैट पोजीशन। देयर वुड बी सम हेल्पलाइन नंबर कि कोई भी पेरेंट अगर देखता है कि बच्चे किसी गलत तरीके से बैठे हैं, तो वी कुड ऑलवेज चेक, और एक मैसेज कर दिया जाए कि वो बच्चों पे चेकिंग रहे। और इस तरह की आप जिस तरह का भी चाहें कि हम
सोसाइटी वाइज कहाँ पे इकट्ठा कर सके, इफ यू हैव काउंसलर्स कहीं आप बाहर से ला सकते हैं, तो वी कैन गेट टुगेदर द पेरेंट्स। आई थिंक बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत है, सो दैट दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द किड्स। तो आप कहीं भी ऐसा करना चाहें तो वी कैन अरेंज ग्रुप्स जो इंटरेक्ट कर सके और आप लोगों को गाइड कर सके। थैंक यू सर। आई एम अली हुसैन, आई एम रिप्रेजेंटिंग माय अंजुमन, अंजुमन एआईपी फ्रॉम गुरुदासपुर। सर ये थैंक्स टू यू कि आज आपने इस मीटिंग का हमें इनिशिएटिव दिया और हमें मौका दिया बोलने का। मैं बिल्कुल जैन साहब के साथ बिल्कुल इसमें इनकी बात को ही आगे लेके चलता हूँ कि जो हम एम्फेसिस देते हैं कि बच्चों को एजुकेट करने के लिए अबाउट ड्रग्स, वही अगर एम्फेसिस हम उनके पेरेंट्स को दिया जाए, उनके पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए कि अगर उनके बच्चों की एक्टिविटीज 5-7-10 दिन में कुछ डिफरेंस आ गया है तो सबसे पहले पॉइंट आउट करें। सर बच्चों को हमें गाइड करने से पहले उनके पेरेंट्स को और डाउन दी लाइन्स, सर पुलिस बहुत अच्छा अपना रोल प्ले कर रही है, हमारा डे टू डे हम देखते रहते हैं कि जितने भी नाके लगते हैं कुछ ना कुछ सीज होता रहता है, लेकिन ये एक ऐसा मैनेस हो गया है जिसको नार्को टेररिज्म बोला जाता है। पहले इसमें पंजाब इन्वॉल्व था, अब हमारी स्टेट इन्वॉल्व हो गई, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन हमारा मैं समझता हूँ कि हम जो मेन रूट ऑफ है इसका वो हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चा नहीं है। सर हम अपने बच्चों को इतना शील्ड करते हैं, इतना शील्ड करते हैं कि उसकी जो बुरी बातें भी होती हैं वो उसको हम छुपा के और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस सिलसिले में हमारी यही सजेशन है सर कि कोई ऐसी कमेटीज बनाई जाए डाउन दी लाइन, जैसे म्यूनसिपल ये जो वार्ड लेवल पे कोई कमेटीज बनी जाए ताकि पेरेंट्स को अवेयरनेस हो, बच्चों को अवेयरनेस हो कि ऐसा करना बुरा है अपनी सेहत के लिए और सोसाइटी के लिए, और उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन वी आर विद यू। थैंक यू सर। मेरा नाम तरुण मुखल है, मैं बेसिकली आई स्टडीड फ्रॉम पुणे एंड आई हैव माय ओन एनजीओ एंड आई हैव ऑलरेडी वर्क्ड ऑन ड्रग्स, सो आई वुड जस्ट लाइक टू कम ऑन टू द पॉइंट डायरेक्टली। पुणे में हमने क्या किया था मेरे एनजीओ के थ्रू, क्योंकि पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ड्रग्स आने का माध्यम में बेसिकली यहाँ पे बच्चों में मेंटेलिटी वहां से आई जो बच्चे बाहर से पढ़ के आए, वरना जम्मू जेके में ड्रग्स जैसी कोई चीज नहीं थी। जो बच्चे पंजाब और दूसरे देश में पढ़ के आए उन्होंने वहां पे देखा और पहले उसको पता चला पहले नहीं कि जम्मू में भी हम अपना स्कोप जो है बढ़ा सकते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे वो एक्टिविटी शुरू हुई। तो जब मैं पुणे में था एनजीओ में जुड़ा हुआ था, मेरी अपनी एनजीओ में थी, उस दौरान हमने क्या किया काफी सारे स्कूल और कॉलेजेस में वॉलंटियर्स रेज किए। तो जो हमारे इन्फॉर्मर्स थे, क्योंकि पुलिस को भी अब देखिए पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से निभाती है, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं कोई कॉलेजेस में या स्कूल्स में वॉलंटियर्स खड़े कर सके, कुछ बच्चे कॉन्फिडेंशियली जो हमें वहां से रिपोर्ट दें, तो ही हमें पता चल सकता है कि इसकी कंजम्पशन हो रही है, किस मार्केट में हो रही है और कहां पर हो रही है। अदरवाइज जब तक हम ये स्टेप नहीं उठाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता चल सकता कभी भी, अगर क्योंकि आजकल बच्चे जो है पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है इसका बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि स्टेप हमें उठाना चाहिए, जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं वहां से हमें वॉलंटियर्स भेज करके और इस पर हमें काम करना चाहिए। शुक्रिया। My name is Rahul. I'm from Save the Children, sir. I would like to just start with the behavior of the child is not a problem, but why that behavior is conducted is a problem. बच्चा जो कर रहा है problem उससे नहीं है, बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है ये problem के कारण है। तो सबसे पहले बात जो जानने वाली आती है कि बच्चा आगे ड्रग अब्यूज में जा क्यों रहा है। कुछ फैक्टर्स सर ने वहां पर जैन साहब ने बताया, जैसे कि पेरेंटल टाइम नहीं होता आजकल, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, दीज आर ओनली सम फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग अब्यूज। अनदर इज दैट कि इसके अंदर जब हम कोई प्लान बना रहे हैं वहां पर चाइल्ड का पार्टिसिपेशन क्या है, क्योंकि हम एक बड़ों के तरीके से सोच पा रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जहां पर हम बात करें छोटी ड्रग्स की कि आजकल की मिरवाना हो रहा है, सिगरेट भर के पी रहे हैं, बच्चे इनसे बहुत आगे हैं, जो पेडलर्स हैं वो बहुत आगे हैं, जो इनका नेक्सस है वो इस तरीके का है कि स्कूल के आसपास ही कुछ दुकानें वो ड्रग्स रखती हैं, दिखाई नहीं देती, वो एस अपने आप को कवर अप करके रखते हैं कि कुछ और बेच रहे हैं, लेकिन वहीं पर से ड्रग्स की अवेलेबिलिटी जो कि बिल्कुल स्कूल के पास है, और ये इन्फॉर्मेशन सारी बच्चों के पास है।
So I think so, child participation is something which needs to be looked into. Second part, sir, we are only talking from the perspective of awareness. Important because drug abuse is also related to much more neurological and psychological. इसके अंदर जो medication part है, उसकी बात हम कैसे करें? क्योंकि awareness से बात पता चलेगी कि drug abuse करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कैसे बताया जाए, या कैसे जाना जाए। लेकिन जिसको अगर drug abuse है, अगर कोई बचना चाहता है तो उसके लिए मेडिकेशन पार्ट क्या है? क्योंकि माना जाता है कि कोकीन का एक बार नशा करने से 15 सेकंड के अंदर ब्रेन ऑल्टर कर जाता है, राइट? सो इफ यू आर नॉट एडिक्टेड विद इन 15 सेकंड यू कैन गेट एडिक्टेड टू इट। इतनी फास्ट चीज अगर ब्रेन को हैम्पर करेंगे, उसका मेडिकल पार्ट क्या होगा? सो डू वी हैव एनी प्रेजेंटेशन फ्रॉम मेडिकल डिपार्टमेंट? हमने उनको अगर लिया है तो अगर ऐसे कुछ केसेस हाईलाइट होते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल, जैसे कहते हैं कि स्टिग्मा विद द ड्रग अब्यूज है, वो पेरेंट्स, वो बच्चे, वो यूथ अगर आके आना चाहे तो कहाँ है, किस तरीके से उसका मेडिकेशन प्लान होगा? क्योंकि यस, इट इज अ सेंसिटिव टॉक, पेरेंट्स नहीं चाहते हमारे बच्चे का नाम आए। जम्मू के बच्चों को दिल्ली लेके जाया जाता है, कहते हैं कि थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा है, बताते नहीं, रात ही रात में उसको लेके किसी तरीके से दिल्ली पहुंचते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उसको रिहैबिलिटेशन करवाते हैं कि हमारे बच्चे लड़के या लड़की के ऊपर ना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम पे हमें ना, एज वेल एज गोइंग टू गाइडलाइन, आई वाज गोइंग टू द वेबसाइट, उनकी एक इंस्ट्रक्शन है वहां पे हाउ टू टैकल ए ड्रग। किस तरह से आप एक कंट्री के अंदर, एक सिटी के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप ड्रग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्होंने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। बिकॉज अभी हम जो बात यहाँ पे कर रहे हैं सर, वो सिर्फ सिर्फ एज ए ये मैन, एक सिंपल आदमी की तरह जो हम सोच रहे हैं, हमारी सोच जो कह रही है, लेकिन वी नीड टू बी वेरी स्मार्ट इनफ। हमें कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जो मैकेनिज्म चाइल्ड जब पैटर्न जो है वो सोचे ना, उनसे बेहतर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे अब मेरी आपसे गुजारिश है, सबसे पहले कि जम्मू के अंदर डी एडिक्शन सेंटर्स नहीं है, और जो सेंटर है भी हमारे पास स्टेट से बाहर है, और हमने खुद देखा है जो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं 6 महीने 3 महीने का वो कोर्स करते हैं, वहाँ पे वापिस आते हैं, आके फिर दोबारा उसी लाइन में लग जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ स्टेप लेने से पहले इस पे फुल ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए और एक पॉलिसी क्रिएट की जाए। जब तक हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं होगी, वो पॉलिसी ऐसी हो जो रिटन में हो, हमें पता हो हमारे एसओपीस क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किस तरह से होंगे, किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। देखिए, हमने देखा पुलिस वाले आजकल लिख भी दिया दीवारों पर, हमें इन्फॉर्म कीजिए, ये नंबर दिया हुआ है, हम यहाँ मीटिंग भी कर रहे हैं, घरों में हम बात करते हैं अपनी वाइफ से, बच्चों से भी, कि ड्रग्स अच्छी चीज नहीं है, एक दूसरे के साथ बातचीत चल रही है। इसी अवेयरनेस को और मैकेनिज्म तरीके से किया जाए, स्टेप वाइज किया जाए। इसके लिए मेरी आपसे ये गुजारिश है ऋषि साहब कि आप एक पॉलिसी फ्रेम करवाइए, जिस पॉलिसी के अंदर हम सारे के सारे जनरेशन यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो ये नहीं चाहता कि किसी का भी बच्चा हो ड्रग्स के, जब किसी की मौत होती है, मैं खुद किसी 3-4 गया हूँ पे, तो आदमी वहां पे होता है, कोई नहीं चाहता कि किसी के बच्चे ड्रग्स ले, लेकिन वो ट्रैप हो गए हैं, और हमें उस ट्रैप को बचाना है, और इस वक्त हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम सब भी, सब ऑर्गेनाइजेशन के जो जम्मू में है, वो खास तौर से जब आपके ऊपर तो ज्यादा आ जाती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पॉलिसी बनाई जाए। इंडिविजुअल लेवल के दौरान सिंह साहब भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बाबा भैया भी कर रहे हैं, तरुण जी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉलिसी ऐसी हो सॉलिड जिसमें हम इसको सिर्फ दी एडिक्शन सेंटर जो है ना, वो हमारे पास बहुत कम है, वो अगर आ जाएंगे तो बहुत सुना। सबसे पहले सुबह क्यों बदली, अगर खुद माँ बाप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो सोसाइटी को बड़ा मुश्किल है सर। उसके बाद जो आपने मस्जिदों के इमाम बुलाए, जो मंदिरों से साधु कराए, इन सब का फर्ज बनता है कि अपने अपने मोहल्ले में अगर भगवान को अल्लाह को याद करते हैं, उसके बाद 2 मिनट टाइम दे भी दिया जाए कि यार आज बैठूंगा, पुलिस आएगी, उनके उनसे पूछताछ होगी, तो और माँ बाप को भी पुलिस के साथ बराबर करना है। ये नहीं कि माँ बाप पुलिस को घेर, किसी ने शिकायत की बच्चा ऐप में चल रहा है, बच्चे की बुरी हालत है, लेकर जाके बराबर उसको कहा कि मेरे बच्चे के साथ शरारत कर दी है,
तो इसलिए नंबर सर आई हैव अटेंडेड सेवरल मीटिंग्स विद द पब्लिक इन विच आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू कन्वे द पीपल कि अपने बच्चों को जो है वो आप अपने बच्चों पर नजर रखें तो सबसे जो जो कहते हैं कि चैरिटी बिगेस्ट चैरिटी है जो चैरिटी है वो घर से शुरू होती है पहले आप अपने घर पर नजर रखें आपके बच्चे की सोसाइटी क्या है आपके बच्चे का फ्रेंड सर्कल क्या है आपका बच्चा कहाँ जाता है कहाँ से आता है दबाव को लेकर अगर वो आता है तो वो कहाँ से आ रहा है अगर आप अपने बच्चों पर मुझे लगता है नजर रखेंगे तो डेफिनेटली हम इसको जो है वो माइनस कटर जो है इसको रोक सकते हैं एक चीज अब मैं और आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर जम्मू में थोड़ा सा स्पोर्ट्स की सर जो चीजें हैं सर स्टेडियम आप देख रहे हैं सर वहां भी कंस्ट्रक्शन का काम लगा है उसकी वजह से बेसिक फैसिलिटी जो स्पोर्ट्स की है सर वो बड़ी काम है तो आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप थोड़ा स्पोर्ट्स का सर्कल जो है वो जैसे सभी लोगों को जीवन स्टेडियम में ही आना पड़ता है तो मेरी रिक्वेस्ट है सर जो आस पास के इलाके हैं सारी जगह छोटे छोटे ग्राउंड है कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए सो डेट जो है पीपल शुड बी एबल टू गो देयर और अपने बच्चों को वहां डाले और फैसिलिटीज मिले और द लास्ट सर आई रियली वुड लाइक टू थैंक यू टेकिंग दिस इनिशिएटिव टू ब्रिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू सर थैंक यू सो मच जो स्कूल जाते हैं जिनका बहुत बड़ा सर्कल है लेकिन स्लम्स के जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और वो भी इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं इनके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड सर जब हमने काम किया था इन बच्चों के लिए तो हमें ये चीजें देखने को मिली थी कि अगर इग्नोरेंस है तो वो दोनों एंड से है एक और किसी ने ना वहाँ की पार्किंग की पार्किंग स्लॉट पर होते ना वहाँ के पार्किंग वालों ने इतना समझ में आया उनको कि हमें जाना चाहिए और पुलिस को शिकायत करनी चाहिए और ना पुलिस को खुद लगा कि यहाँ पर बच्चे अगर बैठे अवेलेबल होते हैं बहुत चीप ड्रग्स होते हैं आई थिंक वो जो कुछ बहुत इजीली अवेलेबल इनहेलर्स वगैरह होते हैं जिनको वो यूज करते हैं तो बहुत इजीली अवेलेबल भी होते हैं और उसमें वो लेने के बाद काफी देर तक पूरा दिन अपना एंजॉय करते रहते हैं और उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं मेजोरिटी ऑफ बच्चे ये जो है ये पुअर बैकग्राउंड से आते हैं जिसमें मेजरली माइग्रेंट्स होते हैं तो फैमिली मेंबर इज वर्किंग सो दैट वी कैन गेट सम क्लूज वेयर वी कैन यूज देयर नाउ सो There was nothing. एक चेयर थी एक टेबल था और तीन बंदे थे वहाँ काम करने वाले एंड आई वॉज पोस्टेड देयर एंड मैं चाहती थी हम लोग कुछ ड्रग डिटेक्शन के लिए काम करें बट देयर वॉज नो हेल्प एंड की देर आए और दुरुस्त आए और शुक्रिया अदा करूँगा डिप्टी कमिश्नर जम्मू यूनिवर्सिटी का और यहाँ पर हमारे जम्मू की जितनी गरीब और बुद्धिजीवी समाज यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं को हेड कर रहे हैं यहाँ पर आए हैं मैंने सबको सुना और अगर मैं अपनी पिछले 5 साल की वर्किंग टीम जम्मू जो चैरिटेबल ट्रस्ट हमने बनाई है अगर मैं उसके अध्ययन ही आपको बताऊं तो 2 दिन लग जाएंगे लेकिन मैं उसमें बात नहीं करूंगा लेकिन पहले ही विद ड्यू रिस्पेक्ट सर मुझे बोलने के लिए 10 मिनट चाहिए और वो सच्चाइयाँ जो इस सिविल सोसाइटी के आगे शायद कुछ पता हो तो कुछ ना पता हमने आज बहुत अच्छे से जितने भी वक्ता बोले बहुत अच्छे से सबकी एक यूनैनिमिटी बनी है कि हम इस नशे से निजात चाहते हैं चाहे वो किसी भी कास्ट कलर क्रीड या समाज को रिप्रेजेंट करता हो लेकिन एक तरफ हमने बच्चों के बारे में भी डॉक्टर मैडम ने भी बात की जैन साहब ने भी की हमारे राजन जी ने भी की मेरे बड़े बुजुर्ग महाजन साहब ने भी बात की केशव चोपड़ा जी ने बड़ी अच्छी बातें कर रखी हमने बात पेरेंट्स तक की और बच्चों तक की लेकिन इस सभ्य समाज में हम सब लोग जो हैं मैं समझता हूं कि हमने अपनी कोई बात नहीं की कि हम क्यों सरकार पर जो है वो निर्भर करें क्यों पुलिस पर निर्भर करें मैं आपके लिए बता दूं कि अभी तक जो हमारा सर्वे जो अनऑफिशियल है 15 से 18% पुलिस नहीं मानती है ये कहती है 10 से 12 हमारा सर्वे 5 डिस्ट्रिक्ट्स का है जम्मू रीजन के 15 से 18% की जो नौजवान है जिनकी उम्र 14 साल और 40 साल के नीचे है वो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं उनको संभालना ड्रग्स कौन बेच रहा है वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है लेकिन जो पीछे 80 से 85% जो हमारे नौजवान अभी भी बाकी हैं जिनको ये नशे की लत लग सकती है वो ड्रग एडिक्ट्स बन सकते हैं उनको कैसे संभालना ये समाज की सबसे बड़ी जिम्मेवारी मैं आपको बता दूं पिछले 3.5 साल में जो सर्वे किया है मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट की नहीं बात करूंगा जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बताता हूँ मुझे नहीं लगता यहाँ पर बहुत सी हमारी रिस्पेक्टेड एनजीओज हैं हमारे छोटे भाई हैं मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं किसी के पास कोई डाटा नहीं होगा कि कितने बच्चे मर चुके हैं 21 इसी महीने की 21 जून से पहले जिस दिन वर्ल्ड योगा डे था उससे पहले तक जो टीम जम्मू के पास आंकड़े हैं 367 बच्चे पिछले 3.5 साल में मर चुके हैं जिनकी उम्र 14 साल और 40 साल के नीचे थी वो अलग अलग धर्मों के थे अलग अलग समुदायों के थे
उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो टॉपर्स थे, ड्रॉपर्स नहीं थे, जो पढ़ने लिखने में माहिर थे। ठीक कहा मेरे भाई ने कि जो बच्चे बाहर गए इंजीनियरिंग करने गए या हायर सेकेंडरी हायर स्टडीज के लिए गए, टेक्निकल स्टडीज के लिए गए, जब वो वहां पर नहीं पढ़ पाए पीयर प्रेशर को काम करके, साथ में वो ये नशे की लानत जमों में ले गया है और उनको देखेंगे और पेशा से सुनेंगे सब। सबसे पहले मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, आज बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट मीटिंग यहाँ पर उसका आयोजन किया गया है। आज 25 जून 2019 की जो डेट है जम्मू के खास में एक बड़ा रेवोल्यूशनरी डेट होने जा रही है। मुझे लग रहा है ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेप जो था, लॉन्ग अवेटेड था, जो आज डीसी साहब की तरफ से लिया गया। सबके सब जम्मू के जो लोग जो कंसर्न हैं इस विषय के साथ में, सब बूझबूझ नहीं कहूँगा, वो लोग जो इस विषय को अपनी प्राथमिकता मानते हैं वो सबके सब यहाँ पे हैं। सबका शुक्रिया, आप सबने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही जिनमें से कुछ थोड़ी इसका क्रिटिसिज्म भी था, कुछ कमियां पेशी जो है। हम आए भी इसीलिए थे कि एक पॉलिसी बना पाए, ड्रग पॉलिसी। मुझे लग रहा है आज इस मीटिंग के बाद उसका भी डीसी साहब बड़ी जल्दी घोषणा करेंगे। दो चार बातें मैं कहूँगा, मतलब पहला तो ये है कि पुलिस जो है वो विक्टिम है कि तो सबसे ज़्यादा उम्मीद आपको अगर इस पूरे चलन में किसी से है तो वो पुलिस से ही, वो लगा आपकी बातों से हमें लगा सबसे ज़्यादा उम्मीद भी पुलिस से है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें यह लगता है कि ये केवल पुलिस की ही प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अकेले पुलिस इससे निजात नहीं दिला सकेगी, ये एक सोशल कॉज है, सोशल प्रॉब्लम है। हमने इसमें बड़ी रिसर्च की पिछले 2-2.5 साल से, क्योंकि मैं खुद भी पीछे इससे पहले मैं एसपी ऑपरेशन पर 2.5 साल एसपी ऑपरेशन रहा, अब मैं एसपी साउथ हूँ। पिछले करीबन 1 साल से, 3 साल से मैं इसी विषय के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। एक असेसमेंट भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं मंथन भी कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है ये सब। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने यहाँ पर बैठ करके 2-2.5 घंटे तक अच्छे ढंग से डिस्कशन किया। यहाँ पर जो बातें आई हैं, कुछ बातें हमें एक्सेप्ट भी करनी थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जहाँ से हैं। दूसरा है कि जितनी बात हुई है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी कहें, वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा है। बिल्कुल, जहाँ से जो भी बुराई आती है, पुलिस वाला वर्दी पहन लिया या किसी ने अपना कहीं किसी और डेजिनेशन पर चला गया, तो सोसाइटी की बीमारियाँ हैं, वो बीमारियाँ यहाँ पर जो आप जनरल सोसाइटी में जिन ड्रग्स होता है, तो हो सकता है कोई पुलिस वाला भी उसमें से ड्रग्स खाता होगा, जनरल सोसाइटी में भी चोरी करता है, हो सकता है उसके अंदर वो है, वो चीज़ें हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके सामने ऑन द रिकॉर्ड एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो मैंने 3 महीने का रिकॉर्ड देखा, आप लोगों ने भी देखा, पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके अंदर सप्लाई साइड की जो काफ़ी उसको तोड़ने की कोशिश की, पर 100% सक्सेसफुल तो नहीं कह सकते, पर काफ़ी इन्होंने कोशिश की किया। अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें रहती है कि क्यों आया, वो मैं बताना चाहूँगा कि एक तो हमारी लाइफ स्टाइल जो होगी, जैसे महाजन साहब ने सबसे पहले कहा और राजेंद्र जी ने जो कहा, दो चीज़ जो मैंने पुलिस से या किसी से बात करके जो मुझे लगा कि लाइफ स्टाइल वो होगी कि हमारे को ड्रग्स यूज़ करना, एल्कोहल यूज़ करना हमारे लिए एक साज की बात समझी जाती है। आज की डेट में जम्मू के अंदर बताया जाता है कि जहाँ पर हाई प्रोफाइल बर्थडे पार्टी होती है जहाँ पर ड्रग्स सप्लाई, हाई प्रोफाइल पार्टी होती है वहाँ पर ड्रग्स सप्लाई, एक तो वो रहा। दूसरा रहता है कि आपका सोशल एक्सेप्टेंस, जब हम ड्रग्स लेते हैं शाम को जब लेके निकलते हैं या आपकी पार्टी में लिया जाता है, तो 4 जगह पे डिस्कशन होता है कि जनाब फलां फलां ने ये पार्टी दी थी वहाँ पर, ये इस तरीके से शुरू किया गया था, ये बहुत शान की बात है। वही तो इसलिए सबसे पहले हमें उस चीज़ को, स्टिग्मा को या उसको तोड़ने की जरूरत है, फैशन को तोड़ने की जरूरत है कि ड्रग्स एक बहुत बड़ा, या हम वहाँ पे अल्कोहल सर्व कर रहे हैं, 20,000 की बोतल सर्व कर रहे हैं, 50,000 का वाइन सर्व कर रहे हैं, उसको हमें तोड़ने की जरूरत है, वो हमें दिमाग में आने की जरूरत है, वो कल्चर में आने की जरूरत है कि हम इसको भैया ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें दूसरी चीज़ होनी चाहिए। कुछ दूसरी चीज़ आती है कि वहाँ पर जो जब एक आदमी आज की लाइफ स्टाइल में वो होता है, डिप्रेशन में आता है, किसी आता है जो मजबूर होकर के भी कई बार ड्रग्स यूज करता है। तीसरी चीज़ एक अच्छी चीज़ बताई, तो यहाँ पर हम पहले जितना डिस्कशन हुआ एनजीओ की तरफ से, सॉरी मैं नाम भूल गया, जहाँ पर कि एक जो ऑर्फन बच्चे हैं या जितने भी लोग आप स्लम्स के लोग कह जाते हैं, वो भी एक अलग तरीके से शुरू कर देते हैं। अब बात आती है कि ड्रग्स, जो मैंने यहीं पर जो समझा किस तरीके से शुरुआत हुई, क्या होगा,
पहले तो ये होता है कि जहाँ पर कोई आप कहेंगे स्लम से या कहीं पर कोई जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट चाहता है, टीन एजर्स होता है, हम भी इन्वेस्टर होते थे तब जाते थे, हर कोई ऐसी भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए जिससे कि हम महीने के 4-5 हज़ार रुपये कमा लें, हम हमारा कर्जा पानी निकाल लें। इस टाइप से किसी ढंग से इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसके अंदर इजी मनी होती है। और जब इजी मनी आती है, आप एक दिन में 5 हज़ार कमा रहे हो, 7 हज़ार कमा रहे हो, बाद में कुछ टाइम बाद फिर उसको लगता है कि है क्या, वो खुद एडिक्ट हो जाता है, वो खुद इसी के अंदर पढ़ के रह जाता है। अब रहती है बात कि इसका मेन रूट कहाँ पर है, क्या है। एक तो सप्लाई साइड हुई, सप्लाई साइड तो एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, किस तरीके से रोका जाए, जिस भी तरीके से रोका। दूसरी साइड होती है डिमांड, मार्केट का विधि, डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी लगाओगे कहीं पर भी वहीं पर ही सप्लाई आएगी जहाँ पर डिमांड होगी। जहाँ पर डिमांड है, डिमांड के लिए मुझे लगता है कि उसके लिए हमें जो सिविल सोसाइटी को, हम लोगों को है, पेरेंट्स को है, सिविल सोसाइटी को है, उन लोगों को किसी भी तरीके से ये को करके ये जरूर करना है कि इसकी मार्केट के अंदर डिमांड ही ना। आपका जो प्रोग्राम था थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। देखिए, आज एक रखा गया था इंटरेक्शन, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो यहाँ बढ़ती जा रही है ट्रक में, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिविल सोसाइटीज़ को यहाँ बुलाया गया, उन्होंने अपने व्यूज़ दिए किस तरीके से उसको ट्रक से उठा जाए, किस तरीके से किया जाए। कई एन जी ओज थे, कुछ जो इसके अंदर एक्सपर्ट्स थे जो ट्रक्स के रिलेटेड काम कर रहे, उनके साथ उनके व्यूज़ लिए गए और हम इसमें बड़े अच्छे ढंग से पुलिस ऑफिसर से भी काम करें, तो हम इसमें एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि किस तरीके से जो है ड्रग्स एक अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, एक फोर्सेबल इम्प्लीमेंट्स के थ्रू, एक लोगों में एक जो बच्चे हैं उनके लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को भी अच्छे ढंग से करके, जिससे कि हम